Thank you.
गुरुदेवाय धीमते समूहते श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप पंचाधिपाश पति पावने नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामी नम हे कृष्ण कन्ना सिंधु दीनबंधु जगत्पति श्री राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि श्री कृष्ण चैतन्य भवनितानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम राम सर्वप्रथम हरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री वसुदेव महाराज जब नारद ऋषि को पूछा जीवन में शांति और सुख कैसे मिलेगा, आत्मा को शांति और सुख कैसे मिलेगा, तो उन्होंने पहले बताए जितने अशांत का जितने दुख का मूल कारण है हम सबके सब भगवान को भूल गए हैं। फिर जब भगवान की शरण में आ जाएंगे फिर शांति अपने आप मिलेगी। इसलिए तमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कहते हैं और जो जब तक जी मेरे शरण में नहीं आते हैं उसको परम शांति और परम सुख उसको प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए क्या करनी चाहिए, पहले गुरु जी की शरणागत होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोले भक्ति कैसे करो, बोले जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करो। पहले गुरु वैष्णव के चरण में शरणागत होकर के उन्हीं की बन करके जो कुछ करे काय मन और वाक्य से सब कुछ भगवान के लिए हमें करनी चाहिए। इसलिए हम लोग ने यहाँ तक श्रवण किया था। इसलिए उसके बाद में कहते बोले श्रीमान सुभद्राणी रथांग पाणी जन्मानी कर्माणी च जानी लोके। इसलिए कहते हैं श्रीमान सुभद्राणी रथांग पाणी क्या करनी चाहिए, मतलब भगवान की रथांग पाणी मतलब होता है जिनके हाथ में चक्र है, कहते उनकी कथा हमें सुननी चाहिए, उनकी गुण महिमा हमें सुननी चाहिए। बोले क्यों, बोले भगवान का हाथ में चक्र है, बोले उनकी कथा सुनने से संसार का सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं, बंधन सारे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए रुक्मणी कहती हैं भगवान को पास पत्र जो लिखती हैं, बोले प्रभु आप मेरे को भी नहीं देते मैं आपको भी नहीं देता, लेकिन आपका केवल कथा सुनते 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 आप मेरे हृदय में बैठ गए हो, हम मेरे हृदय में बैठ गए हो, इसलिए मैं शादी करूँगी तो केवल आपसे ही शादी करूँगी और की जगत में और किसी को साथ में मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों, आप पुरुष सिंह रहो, आपको जो एक बार प्राप्त कर लेते हैं आपको प्राप्त करने के बाद फिर जगत में जन्म मृत्यु का जो माला इस चिरकाल के लिए जीवन नष्ट हो जाती है, लेकिन ये जगत में जो पति है जगत में पति कितने जन्म से पति पकड़ रहे हैं, पति छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं एक छोड़ रहे हैं, मांग भर रहे हैं मांग मिटा रहे हैं, शंखा पहन रहे हैं शंखा तोड़ रहे हैं, मतलब कब तक ये चलते रहेंगे, मतलब जब तक कि आपको कोई प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए भगवान की मतलब श्रीनंद सुभद्राणी रथांग पाणी सुनताम श्री कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन
इसलिए भगवान की कथा को जब हम श्रवण करते हैं, बोले सुरभित सता, उदाहरण दिया, जब हम कथा सुनते हैं भगवान क्या करते हैं, कथा के माध्यम से कर्ण कर्ण के द्वारा भगवान क्या करते, हृदय में भगवान चले जाते जाकर के, फिर क्या करते हैं? उदाहरण दिया, जैसे आपका घर में आपको बड़ा प्यारा कोई दोस्त आया, देखा एक कुर्सी पड़ा हुआ लेकिन उसमें धूल जमा हुआ है, वो ये नहीं बताएगा पहले तुम साफ करो फिर अपने बैठो, वो अपना रुमाल पकड़ से निकाल करके उस पर साफ करके फिर वो बैठ जाएगा। तब उसी तरह जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, हैं भगवान क्या करते हैं, कर्ण के माध्यम से अंदर में जाते हैं और जा करके हमारे हृदय में जो गंदगी काम क्रोध लोभ मोह मतना सर्जन हैं, वो क्या करते हैं, कहते हम हमारे सबसे प्यारा मित्र कौन है, कहते तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। फिर भगवान अपना रुमाल निकाल करके अपना हृदय को साफ करके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं, हृदय में भगवान बैठ जाते। इसलिए फिर क्या करो, बोले भगवान की कथा सुना, सुभद्राणी रथांग पाणी, भगवान की कथा कैसे सुभद्र अच्छे, इसलिए भगवान की कथा हम जितने भगवान की कथा हम श्रवण करते रहेंगे उतना भगवान के प्रति हमारी प्रेम उतना ही प्रेम बढ़ते रहे, उतना ही प्रेम बढ़ते रहे। इसलिए भगवान कहते हैं हैं सतांग प्रसंगात मम वीर्य संतो भवति हृतिकर्ण रसायन कथा ताज्यो सना असु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिशति। भगवान कहते माँ तुम्हें केवल तो एक ही काम करना पड़ेगा, बोले एक ही काम क्या है, केवल तुम मेरे भक्तों का संग से केवल मेरी कथा को केवल श्रवण करो, और कथा सुनते सुनते क्या होगा, हैं कथा सुनते सुनते क्या होगा, बोले सतांग प्रसंगात, बोले प्रसंगात मतलब क्या है, बोले एक तो होता है सुनना केवल और एक होता है अपना जीवन में आचरण करना, केवल साधु के पास में रहने पर नहीं होगा। कहते संतों का जो जटा में एक जू होता है कीड़ा, लेकिन वो तो रहता है सर में, लेकिन वो खून चूसता है, ऐसे नहीं साधु के पास में रहकर खून चूसना है, उनको खून चूसना, कहते कहते इसको साधु संग नहीं कहते, इसको साधु संग। एक समय कोई गुरुजी और एक चेले थे, गुरुजी ने बोला देखो बेटा 1 लाख हरिनाम करनी चाहिए, जब तो कोई 1 लाख हरिनाम नहीं जप करते हैं ठाकुर जी उसका हाथ का खाना कुछ नहीं खाते। बोले गुरु जी ने आदेश दिया सवेरे उठ कर के माला लेकर के हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 है, प्रभु का नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया, गुरु जी बोले बेटा भिक्षा में नहीं जाओगे, भिक्षा में नहीं जाओगे, पहले कुछ नहीं होता था, भिक्षा करके लाते थे फिर बना कर खाते थे। बोले गुरु जी ने आपने बताया था ना 1 लाख हरिनाम करने के लिए, अभी माला पूरी नहीं, अभी गुरु जी स्वयं भिक्षा, गुरुदेव भिक्षा करके ले आए। बोले बेटा थोड़ी सी इसको सब्जी अमुनिया नहीं कर लोगे, सब्जी ट्रक अमुनिया, बोले गुरु जी माला खत्म नहीं हुआ ना आपने लगा, गुरु जी स्वयं सब्जी अमान करे। बोले बेटा थोड़ा खाना नहीं बनाओगे, बोले गुरुदेव अभी माला ही पूरी नहीं, अभी गुरु जी खाना बनाए। बोले बेटा कम से कम ठाकुर को तो भोग लगा दो, बोले गुरुदेव अभी थोड़ी माला बाकी है, गुरुदेव भोग लगाया। बोले बेटा कम से कम आसन से बिछा दो, बोले गुरुदेव और थोड़ी सी केवल बाकी है इतना पूरी हो जाए, गुरुदेव आसन बिछा दिया। बोले गुरुदेव भोजन, बोले बेटा भोजन नहीं करोगे, बोले गुरुदेव आपका आज्ञा कितना अमान्य करेगी, आपका आज्ञा और मैं कितना नेग्लेक्ट करूँ, तो मैं लास्ट आज्ञा तो पालन कर लूँ, बस बैठ गया रहो। इसलिए कहते इसको संग नहीं कहते हैं, इसको संग नहीं कहते हैं, इसलिए कहते प्रकृष्ट रूप में गुरु वैष्णव की संग करनी चाहिए। संग मतलब होता है वो जैसे भगवान की भक्ति करते हैं वैसे भगवान की भक्ति करना, इसको कहते सम्यक रूप में अनुगमन, इसको कहते संग, कहते सतांग प्रसंगात। जब ऐसे
शुद्ध भक्तों का सत्संग, मतलब संग किसके करनी चाहिए, बोले शुद्ध भक्तों का संग करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करनी चाहिए। इसलिए भक्त भी तीन तरह का भक्त बताया, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये तीन तरह का भक्त। हम जैसे भक्तों का संग करेंगे हमारे ऊपर भक्ति का रंग, वैसे भक्ति का रंग हमें चढ़ेगा। इसलिए राय रामन के प्रभु कहते हैं, कृष्ण रस और मति भाविता मति प्रियता उत्तम बीज लभते तत्र लौल्य मूल्य फलम कोटि सुपुत्र। अगर जीवन में अगर ऐसे कृष्ण भक्ति में जिनकी एकदम मति सराबरा हुआ हो, जैसे रूई को जैसे पानी में डुबो दो ना, पूरा उसका कण कण में पानी समा जाती है, जैसे रसगुल्ला है उसको डुबो दो रस में क्या होता है, उसका कण कण में रस चली जाती है। तो ऐसे भगवत भक्ति रस में जो सराबर हुई जो साधु, जब हम उनको प्रकृष्ट रूप में संग करेंगे, कथा कैसे बोले मम वीर जो संग, कथा बड़ा बलवान कथा होती है, उनकी जो कथा होती है बड़ी ताकतवान कथा होती है संतों का संग। बोले क्यों, बोले संत इवास चिंतन की मन व्यास संग उत्ती भी, उनका जो वाणी है ना तलवार का जैसे धार होता है ना, जिस तलवार से काट देते हैं ऐसे ही कथा करते हैं। हमारे हृदय में जो माया के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति को वो काट डालते हैं, वो आसक्ति को काट डालते हैं। इसलिए वो कथा बड़ा बलवान कथा होता है, वीरजवत कथा होती है। इसलिए मामा वीर जो समृदो तद भवती हृदय कर्ण रसायन कथा, वो कथा कैसे बोले हृदय और कान को वो रस देने वाली, वो रस देने वाली कथा होती है। इसलिए रसायन होता है 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन इसको द्वारा वो बनता है जड़ी बूटियों से, जिसको ग्रहण करने से शरीर का सारी बीमारी सही हो जाती है, हेल्थ एकदम बढ़िया हो जाती है, उसे दशमला रिष्ट। उसी तरह जब हम ऐसे भक्तों का संग से भगवान की कथा सुने, कद हमारा अंदर में जो कमजोरी, बोले कमजोरी किस चीज़ की, बोले भगवत भक्ति का कमजोरी। माया के लिए तो हमारा मन हर समय नहीं है, संसार के लिए तो पहले खड़े बैठ रहते हैं, लेकिन भक्ति की जब बात आती है ना भजन की, उस समय हम बहाना बनाते हैं। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं झुमे झुमे तलाश वाली सी, तो जिसकी इधर उधर का भूत की कथा हो ना जग जाएंगे, सांप की कथा वाली, हमने इतने बड़े सांप देखा था, हमने इतने लंबा भूत देखा था, लेकिन जब भगवान की कथा हो नींद आ रही है, और भगवान की भजन की बोले तकिया लाओ नींद आ रही है सुनने की। इसलिए बोले झुमे झुमे तलाश वाली सी, इसलिए कहते हैं उनकी कथा बड़ी बलवान कथा होती है। इसलिए हृदय और कर्ण को वो रस देने वाली रसायन कथा, ताजो सना आंसू अपवर्ग वर्तमनी, तो अगर उनकी कथा सुनने से जल्दी हाँ क्या होता आ प वर्ग वर्तमनी, कहते प वर्ग मतलब होता है प फ व माँ, प मतलब परिश्रम, ब मतलब व्यर्थता, फ मतलब फेंट, और भ मतलब भय, और माँ मतलब होता है मृत्यु, ये सब चीज़ तुम्हारी खत्म हो जाएगी, ये सारे चीज़ तुम्हारी समाप्त हो जाएगी अगर शुद्ध वैष्णव से अगर कथा सुनेंगे तो। आप वर्ग वर्तमनी बोले क्या होगा, बोले कथा जितने सुनते 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 अब जिसको बार में जितना सुनोगे उसका प्रति तुम्हारे उतना तो प्रति बढ़ेगा, जितने भगवान की महिमा को सुनते रहेंगे उतना भगवान के प्रति हमारे प्रेम बढ़ते रहेंगे, उतना प्रेम बढ़ते रहेंगे। इसलिए बोले बिनु सत्संग विवेक ना हुई राम कृपा बिनु सुलभना, जब तक भक्तों का संग नहीं करेंगे कथा नहीं सुनेंगे हमारी भक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकती, भक्ति कभी बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए हर शास्त्र ने बताया साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र पाए लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि, हर शास्त्र कहता है संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनी, हर शास्त्र कहता है वैष्णव का संग करो, वैष्णव का संग करो। इसलिए भ्रवंती तजोसना आसु अपर अपवर्ग वर्तमनी, बोले पहले क्या होगा कथा सुनते 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 श्रद्धा बनी, फिर श्रद्धा से फिर साधु संग, फिर भजन करना शुरू करेंगे, फिर हृदय का सारे अनर्थ दूर होगा, फिर भगवान के प्रति रुचि, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति भाव
है, धीरे 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 भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगी फिर भगवान के प्रति। इसलिए यहाँ पर कह रहे बोले श्रीनो न सुभद्राणी रथांग पानी, किसकी कथा सुननी चाहिए, बोले जिनका हाथ में चक्र है उनकी कथा सुननी चाहिए। चक्र जिसे काट देता है अगर उनकी कथा सुनोगे तो संसार का जो बंधन जो आसक्ति ये सब के सब काट देंगे। जन्मानी कर्माणी चजानी लोके, उनका जो जन्म कर्म भगवान की जो दिव्य लीला है, ये दिव्य लीला कथाओं को श्रवण करो। हैं जवानी कर्माणी चजानी लोके तदर्थ का निष्पाद की क्या श्लोक याद दिया। इसलिए कहते भगवान की कथा सुनो, सुनते 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 भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। हाँ प्रेम बढ़ेगा फिर उसके बाद में क्या करो, बोले एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग दुर्गचित उच्चई हसत्यथ रोद तिरहुत। उसके बाद में कलयुग में सबसे बड़ा साधन किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए जीवन का व्रत क्या बनाओ, फिर जीवन का व्रत भगवान का नाम को ही जीवन का व्रत बने, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरि सुमिरि नर उतरे। इसलिए भगवान का नाम को जीवन का व्रत बना दो, एवं व्रत क्या स्वप्रिय नाम, अपना प्रिय नाम को जप करो। हमारा प्रिय नाम क्या, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हमारा यही प्रिय नाम है। महाप्रभु बोले प्रभु बोले कलि नाम यही महामंत्र किया जप किया सबे करता, हरि नाम को नियमित पूर्वक हरि नाम को माला जप करो है। और यह इतने सर्वसिद्धि हरि नाम करने से जीवन में सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सर्वसिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम भगवत प्राप्ति है, कृष्ण नाम से तुम्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। सप्रिय जाता अनुराग, हरि नाम करते 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 क्या क्या होगा, धीरे 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 प्रभु का नाम का प्रति हमारी अनुराग बढ़ेगा। जितने हरि नाम करते रहेंगे जितने हरि नाम करते रहेंगे उतना धीरे 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 भगवान के प्रति हमारी अनुराग बढ़ता रहेगा। जाता अनुराग जब हरि नाम का प्रति अनुराग होने लग जाए, लेकिन भगवान का नाम तो मीठा है लेकिन अभी हम मीठा नहीं लगता, बोले क्यों, हमारे जन्म जन्मांतर का पाप है अनर्थ है, इसलिए भगवान का नाम में अभी रुचि नहीं होता। फिर क्या करनी चाहिए, बोले इच्छा नहीं करने पर भी जोर जबरदस्ती लो माला बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आदर पूर्वक जप कर, भक्तिमान ठाकुर कहते हैं अनुदीना जेना तब नाम गाई क्रमेते कृपाय तब अपराध जावे नामे रुचि हवे आस्वादिव नामा सब प्रपंचे पड़िया अगति हैया ना देखी हो पाय। भक्तिमान ठाकुर गा रहे हैं कि माया में हम पढ़ करके हैं प्रपंच अगति जहाँ जानी चाहिए उधर नहीं तो उल्टा रास्ता नहीं चाहिए हैं, इसलिए नादे के उपाय आर और कोई उपाय नहीं। क्या करो, भगवान का नाम अच्छे नहीं लगने पर भी बैठो और धीरे धीरे भगवान के नाम जप करते रहो। करते 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 क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी अनर्थ खत्म होती जाएगी, पाप खत्म हो जाएंगे। जितना अनर्थ खत्म होती जाएगी उतना नाम में तुम्हारी धीरे 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 अनुराग बढ़ेगी, उतना नाम के प्रति तुम्हारी अनुराग बढ़ेगी है, अनुराग बढ़ेगी। अगर नाम का प्रति तुम्हारी अनुराग होगा तो क्या होगा, बोले द्रुतचीत उच्चई है, फिर तो तुम्हारी हृदय नाम लेते ही तुम्हारी पुलक होने लग जाएगा, आंखों में आंसू आने लग जाएगी है, प्रेम तुम्हारे हृदय प्रेम प्रेम से तुम्हारे हृदय गदगद होने लग जाएगी। जो सचित तो उसे मतलब उसके बाद में हंसत किया था, उसके बाद में ना हंसने लग जाते हैं, हाँ, बोले क्या पागल हो गया, बोले पागल हो जाते हैं है? भगवान का नाम लेकर के क्या होता है, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, उसका हृदय में भगवान की सारी लीला उसका हृदय में प्रकट होने लग जाता है। बड़े सुंदर सुंदर प्रभु की लीला को दर्शन करता है, कहते हंसता क्यों, बोले इसलिए वो हंसता है प्रभु की लीला देखता है। बोले एक कृष्णा एक किसी गोपी के घर में मक्खन चोरी करने के लिए, वो गोपी पहले से ही
मटकी में कृष्ण के लिए मक्खन पहले ही धर कर रखे, बोले आज तो कृष्ण का जरूर मैं पकड़ूंगी। कृष्ण इधर उधर देखे बोले कहीं कोई नहीं, और धीरे धीरे अंदर में गए। जब मक्खन खाने लगते तो अभी नहीं तो कृष्ण खा ले, जब कृष्ण मक्खन खा लिए ना इतने में झट जाकर पकड़ लिए, बोले अभी कहाँ जाओगे, घर में तेरे को बांध करके रखूंगी। बोले गोपी आज छोड़ते कल से नहीं आऊँगा। बोले नहीं, मैया को शिकायत करने पर मैया कहती नहीं, मेरे बेटा तो कभी किसी घर में जाता है, आज तो तेरे को हम दिखाएंगे तेरी मैया को बुला करके तो कैसे घर घर में मक्खन चोरी करते हो। बोले खंभे के ऊपर हाथ रख, बांध कृष्ण खंभे के ऊपर हाथ रख, अपना रिबन को निकाले, जब बांधने के लिए जाए ना वो फिसल जाए, भगवान का हाथ तो बड़े कोमल है, बोले फिसल जाए। कृष्ण कहते गोपी तुमने कभी बांधी गई कि नहीं, बोले क्या तेरे को बांधना आता है, बोले और क्या, बोले सिखा दे, बोले रख अभी सिखाता है। कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे एक कान दो कान घूमना अच्छा से बांध दे, बोले कन्हैया तेरे तो बड़े सुंदर बांधना आता है, बोले और क्या, मैं तो बड़े बड़े योगी ऋषि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपना प्रेम हमें बांध देता, बोले खोल दे, बोले अभी तक मैं किसको खोलना सीखा कर सब कुछ मेरे बांधना ही सीखा बास कृष्ण वास भग। कहते हैं उसका हृदय में प्रभु का लीला जब प्रकट होता है इतने आनंद उसको होता है। विश्वनाथ कवि ठाकुर कहते हैं कृष्ण भक्ति में कितना आनंद है, कहते कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नय तार एक बिंदु, करोड़ों ब्रह्मानंद को मिला करके कृष्ण भक्ति रस व सामने जैसे तथा समुद्र जैसे उसका एक बूंद व साथ भी बराबर नहीं कर सकते, इतने उनको कृष्ण दर्शन में आनंद। इसलिए हाँ रो दर रोने लग जाते हैं, रोता है कि फिर जब भगवान हृदय से अंतर ध्यान हो जाते हैं उनको विरह में ये रोता है, हैं रोदती फिर रोदती रोती, जब इतने रोने लग जाता है जैसे शरीर मन प्राणी छूट जाएगी। भगवान ने देखा है कि मेरे विरह में प्राणी छोड़ते हैं, फिर भगवान उसको दर्शन देते हैं, दर्शन देते ही बोले नृत्यती फिर तो नाचना शुरू कर देता है, हैं अब भगवान मेरे को दर्शन दे दिया, भगवान मेरे को मिल गए। उदाहरण देते हैं जैसे 1 करोड़ रुपया तुम्हारी बैंक में, लेकिन पता चला वो बैंक फेल हो गया, अरे क्या होगा रोते हो, अरे सारे पैसा चला गया मेरा जिंदगी का, लेकिन अगर पता चला नहीं पैसा तुमको मिल जाएगा फिर नाचना शुरू कर दो, हैं क्या। तो उसी तरह भगवत दर्शन होता है लोक राज्य, कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसको भ्रुक्षेप नहीं रहता है, बस कृष्ण प्रेम उन्माद होकर के नाचता कभी रोता कभी हंसता कभी लगता है। लास्ट में कहते हैं अगर भगवान के नाम को लेकर के अगर किसी की आंखों में आंसू नहीं आते, किसकी रोमांच नहीं होता है, अगर भगवान के नाम लेकर हृदय गदगद नहीं होता है, फिर क्या समझो, मैं समझो कहीं अपराध हो रहा है, कहीं तुम्हारी अपराध हो रहा है, हरिनाम तुम ठीक ठीक से हरिनाम नहीं कर रहे, कोई अपराध हो रहा है। अगर अपराध नहीं होगा ना फिर प्रभु का नाम लेते ही आंखों से आंसू आएगी, हृदय गदगद होगा, शरीर में रोमांच आएगी, शरीर में रोमांच आएगी, इसलिए बोले तब अच्छे अपराध रे प्रचुर जा कृष्ण नाम विजय ना आई अंकुर, यही अपराध है। इसलिए क्या करो बैठ करके भगवान की एक मन से भगवान के नाम जप करनी चाहिए, जब ऐसी स्थिति आ जाए हैं हृदय गदगद आंखों से आंसू समझो हरिनाम करना हमारी सार्थकता होगी। कभी शांति कब मिलेगा, मतलब शांति तभी मिलेगा जब भगवान की भक्ति करेंगे भजन करेंगे और भगवान के नाम जप करेंगे कथा सुनेंगे और सब कुछ भगवान के लिए करेंगे और सद्गुरु चरण में आश्रय लेते हुए भगवान की भक्ति करेंगे तभी जीवन में हमें परम शांति और परम सुख की प्राप्ति होगी। हिताई गौर प्रेमानंदे हरे कृपा नाम पावन।